हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन क्रैकर में एक बार फिर स्वागत है सबका। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। किसी भी नंबर को, कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट भी हो, उस नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है 2 से 3 सेकंड में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंपटीशन क्रैकर यूट्यूब पर सर्च करें, आपको इस तरह का लोगो मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें, एंजॉय कर सकें, लर्न कर सकें और अप्लाई कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए। जो भी नंबर है, चाहे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो अपने फर्स्ट वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट, इसके तो 2 ही डिजिट हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इसको अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। 1, 6 और एक बीच में डिजिट चाहिए हम। अब तो अब आपने क्या करना है, जो 2 डिजिट हैं आपके पास उनको सिर्फ ऐड कर देना है। 1 + 6 = 7, तो आपका आंसर आ गया 176। अगर आपका जो मतलब अगर दोनों नंबर्स को ऐड करके आपका जो सम है वो 10 से ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी ओवर करना पड़ेगा और आगे जाके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 28 इंटू 11। हमें फिर वही करना है, 2 लिख लेना है अलग, 8 लिख लेना है अलग। अब आपने क्या करना है, 2 + 8 = 10। अब हमें एक ही डिजिट चाहिए, हमें यहाँ पे 0 आएगा, तो जो वो 1 है, 10 आया दोनों को ऐड करके, 10 का 0 लिख लिया, 1 आगे जाके कैरी ओवर हो गया यानी ऐड हो गया, तो क्या आ गया, 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, 308, यानी 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 308। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक और सम ले लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ 44 × 11। अब आपने फिर वही करना है, 4 को अलग लिख लिया, ये 4 अलग हो गया, दोनों को ऐड किया, 4 + 4 = 8, तो आंसर विल बी 484। ऐसे ही अगर आपने कोई बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 76 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट डिजिट लिख लो 7, लास्ट डिजिट लिख लो 6। अब दोनों को जोड़ना है, 7 और 6 को ऐड करना है यानी 13। 13 का आपने 3 लिख लिया, 1 आगे जाके कैरी ओवर हो गया यानी 8, तो आंसर क्या आएगा, 836 यानी 836 विल बी योर आंसर। ऐसे ही एक 3 डिजिट नंबर लिख देख के लिख के देख लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। लाइक मैं लेता हूँ 125, इसको मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला डेट लिख लेना है अलग, लास्ट वाला अलग, 1 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते जाना है, यानी 1 + 2 = 3, फिर 2 + 5 = 7, दैट्स इट, तो योर आंसर विल बी 1375। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 148 × 11 करके देखते हैं क्या आता है। तो पहले अपने 1 अलग लिख लेना है, फर्स्ट वाला डिजिट लिख लेना है और एक एंड वाला 8। अब बीच में क्या करनी है, 2 स्पेसेस छोड़नी है, तो 1 + 4 = 5, 4 + 8 कितना आ गया, 12, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 12। अब 12 का तो 2 यहाँ से लिख लेंगे आप नीचे, बट जो 1 है वो कैरी ओवर हो जाएगा यानी 6 आ जाएगा, और 1 ये ऐसे ही रहेगा, तो आंसर विल बी 1628।
मतलब जो भी अगर आपका सम दोनों को ऐड करके 10 से ऊपर जा रहा है तो आपको फर्स्ट वाला डिजिट कैरी ओवर करके आगे ऐड कर देना है और फिर ऐसे ही एडिशन करते जाना है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 653, 6 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 आगे जाके ऐड हो गया यानी 6 प्लस 1 7, तो आंसर विल बी 7183, 7183। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं 988, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब क्या करना है, 9 लिख लिया, 8 लिख लिया, फर्स्ट और लास्ट डिजिट अलग अलग लिख लेने हैं आपने, जैसे हैं वैसे ही राइट हैंड साइड से ऐड करते जाइए। 8 प्लस 8, ऐड किया दोनों को 16, ऐसे ही 8 प्लस 9 कितना आ गया 17। अब 16 का 6 नीचे एक लिख लिया आपने, 7 1 जो है आगे जाके ऐड हो गया यानी 18 आ गया, 18 का 8 लिख लिया आपने नीचे, 1 यहाँ जाके ऐड हो गया यानी 10868, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो जो भी आपका कैरी ओवर होता जाएगा उसको आगे ऐड करते जाइए और लास्ट वाले डिजिट को नीचे लिख लीजिए, फर्स्ट वाले डिजिट को आगे कैरी ओवर करते जाइए और ऐड करते जाइए। एक 4 डिजिट नंबर देख के लिख लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ 1653, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अब 1 लिख लिया आपने, 3 लिख लिया आपने, ठीक है। अब पीछे से ऐड करना है हमें 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 6 11, 11 का 1 लिख लेना है। अब पहले इसको ऐड करते हैं 1 प्लस 6 7, इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो 1 प्लस 6 7। अब ये जो है 11 का 1 लिख लिया, 7 ये 1 आगे जाके ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 1 8, 1 वहीं का वहीं रहेगा, तो आंसर विल बी 18183, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, इवन 4 डिजिट भी हो, तो आपको क्या करना है, बस फर्स्ट और लास्ट डिजिट को वैसे के वैसे लिख लीजिए और राइट हैंड साइड से जो दो 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 के पेयर बनाने हैं आपने उनको ऐड करते जाइए। अगर वो एडिशन 10 से ऊपर जाती है तो जो कैरी ओवर आएगा उसको आगे कैरी ओवर करके नंबर को ऐड करते जाइए, और वैसे ही अगर उसमें भी 10 से ऊपर चला जाए तो कैरी ओवर करते जाइए, ऐड करते जाइए, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसको करने में। तो देखा आपने दोस्तों, ये ट्रिक आपको काम आएगी, बहुत ही क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते रहते हैं, जो बैंक एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।